हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे भाई? ठीक ठाक हो ना भाई? तो भाई आज का सीन इस तरह से है कि मैं जाने वाला हूँ मरी मरी, या उससे भी आगे जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये इंजन जो है ना भजन डिस्प्ले के लिए रखा हुआ ताकि लोगों को एंटरटेन किया जाए यहाँ पे आके। अब ये देखो, ये ना आगे लोहे की लगी हुई होती थी, ये अब अक्सर औकात नहीं लगाते ताकि मवेशी वगैरह है ना वो बच जाएँ। नहीं तो ये जो है ना भाई उड़ा के हर चीज़ को परे फेंकती है। ये बहुत मोटा लोहे से बनाई जाती है। ये देखो जी, फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। टिकट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से मिलती हैं अंदर से। तो भाई ये सारा इसका साइड है एक। ये देखो भाई, ये जो है ना यहाँ से धुआं निकलता है और आगे जो मोटर वगैरह पड़ी हैं, पहले जो है ये कोयलों से चलाई जाती थी, अब जिसके अंदर ना जनरेटर इंजन टाइप रख दिया गया है 46G NWR। ये भाई अंदर से जो है ना सिस्टम वो इस तरह से होता है। ये देखो, ये हैंडल वगैरह ये सारा कुछ ना इधर लगा हुआ है, लेकिन ना इसकी काफ़ी चीज़ें उतार के ना पता नहीं किधर की हैं, या बेच दी हैं या दूसरे इंजन में लगा दी होंगी। ये भाई शॉपिंग हो रही है यहाँ से। ये चिप्स हैं, चिप्स वगैरह ले रहे हैं लेस। ये सुपर क्रिप्स ले ली है और ये भी ले ली है सुपर क्रिप्स की ही है। भाई ये ले रहे हैं, ये खाली बच्चों के लिए हैं ये चीज़ें। ये अभी देखना भर जाएगी। और भाईजान ये भी ले लेते हैं, दो लें, दो ये ले रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये भाई बिस्किट वाला खाना आ गया, अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं यार। ये अच्छा होता है लेमन, और बिस्किट्स, और भाईजान ये टक भी ले लेते हैं, दो ये ले लेते हैं। सुपर सुपर भी आ गया, सुपर सुपर भी ले लेते हैं दो। चेक करो जी, परता जा रहा है सिस्टम। एक भाई ये ज़ीरा प्लस भी ले लेते हैं। चिप्स वगैरह तो बहुत सारी हो गई हैं, अब सोच रहा हूँ कि बोतल शोतल भी पकड़ लें वहाँ से, रास्ते में काम आएंगे। ये भाई साहब बोतल्स वगैरह पड़ी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटी लूँ ताकि यार जो खुले और पी के बस फिर वहाँ से फारिग हो जाए काम। ये वाली ना ये सही होती है हिसाब किताब के लिए, ये अच्छी रह जाती है। इसकी एक तो गैस कम नहीं होती और सही माहौल बन जाता है। और स्प्राइट भी एक अभी पकड़ लेते हैं। चलो जी, अपना हिसाब हो गया तकरीबन पूरा। एक स्ट्रिंग पकड़ लेते हैं यहाँ से ना। एक अभी ना ये सलंटी पकड़ लेते हैं यार। हिसाब बन गया जी पूरा, बल्ला बिल पर। ये भाईजान बिल फिल बनवा रहे हैं यहाँ से, चलो डालें मुझे। तो ये एक्स्ट्रा है भाईजान, हमें और ऐड करा ली हैं चीज़ें, पॉपकॉर्न और ये चीज़ें रह गई थी। ये भाई एडिशनल सामान लगा दी हमने साथ, बिल और बढ़ेगा। ये भाई अपना सामान इकट्ठा हुआ बड़ा, अभी हमने ले के जाना है यहाँ से। नीचे से ऐसे लकड़ी टाइप बनाई गई है, ये अंग्रेज़ों के माहौल हैं भाई। तो ये भाईजान रेलवे स्टेशन की ना भाई एंट्रेंस है, और वो देखो कैसे माहौल रिक्शे को लगा हुआ है, और यहाँ पे सोन हलवा मिल रहा है। तो भाईजान ये जो है ना सोन हलवा बस लोकल ही है यार, अच्छा है पहले और उसके बाद शक्कर पड़ गई है मुल्तानी। तो भाईजान टिकट्स वगैरह 10 रुपये, साइकिल है, साइकिल के भी 10 रुपए रखे हुए हैं, बाकी हर चीज़ के हैं। 5 घंटे बाद जो है ना 50% फीस इजाफा किया जाएगा। मोटरसाइकिल यहाँ से, गाड़ी वहाँ से, तो चलते हैं यहाँ से। ऊपर भाईजान कलमा शलमा लिखा हुआ है माशाल्लाह, ये देखें। और मेन गेट की जो एंट्रेंस है ना वही है, और यहाँ से जो है ना ये सामान वगैरह जाता है इस गेट से, फ्री इंटरनेट
भाई जान पंजाब वालों ने फ्री इंटरनेट दिया होगा यार। ये एसी का आउटर चेक करो, फिर कहते हो जी बिजली जो है ना बहुत महंगी हो रही है, इसी वजह से हो रही है भाई, आप खर्चे उठा रहे हो। ये भाई जान टिकट्स रूम है और ये वेटिंग रूम है, ये जेंट्स वगैरह लेडीज़ वगैरह के लिए अलग था, लेकिन फ़िलहाल इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। ये देखो ये टिकट्स हैं और सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो भाई ये पेटी शेटी पैक हो रही है। पट्टी लगाते हैं इस मशीन के साथ, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे आम का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से ये यहीं पे लग के आगे जाती हैं ताकि खुल ना जाए। ये देख रहे हो ये टूटी पड़ी है ना, इस वजह से पट्टी। ये देखो जी ये लग गए, ये भाई सब लगा रहे हैं। भजन यहाँ से सामान वगैरह जाता है, हालत आप देख रहे होंगे बहुत पुरानी हालत है। ये पुराने स्टाइल के कपड़े और बकरी भी जा रही है। अबे तू किधर जा रही, ये बकरी कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। भैया हर ट्रेन में ना इतनी इतनी तकरीबन पेटियाँ जाती हैं, ये बेड वगैरह भी जा रहे हैं। कोई शिफ्टिंग कर रहा होगा या हॉस्टलाइज लड़का जा रहा होगा, तो ये जो है ये भजन सामान वगैरह। ये देखो जी ये माहौल है रेलवे स्टेशन का, एग्जिट बाहर जाने का रास्ता वो है। और ये देखो जी ये कुली वगैरह यहाँ पे खड़े हैं जो नंबर भी लगा रहे हैं और ट्रेन में भी रख देंगे सामान। यहाँ से पानी भरा जाता है ट्रेनों में जो कि वॉशरूम्स वगैरह में यूज़ होता है ट्रेन की। और सामने आप देख रहे होंगे शॉप वगैरह बनी हुई हैं जहाँ से आप हलवा वगैरह सारा कुछ ले सकते हैं। लेकिन भाई जान यहाँ से आपको ना खालिस चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रेन स्टेशन पे आया होता है ना ये हमें जुगाड़ी होते हैं, और पानी वगैरह आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। अब ये जो सामने डब्बे वाली ट्रेन खड़ी है ना ये वाली, इसके अंदर जो है भाई जान कोई सामान वगैरह जैसे कोयला वगैरह या बजरी या इस तरह से चीज़ें जाती हैं। वो देखो वो इंजन साथ लगा तो ये चटाक चटाक की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखो यहाँ से ना ये पत्थर गिर रहे हैं। ये देखो जी ये फिटिंग हो रही है और इंजन को ना साथ लगा रहे हैं, और ये पत्थर हैं खाली हो चुके हैं यहाँ पे, पता नहीं शायद उतार के आए हैं, तो ये यहाँ से वापस जा रही है। भाई आवाम बैठी अपने सामान उठा के, देखो एक दो बंदे इतने बैग उठा के बैठे हैं। ये देखो जी ये यहाँ पे टक शॉप्स हैं, चाय वगैरह बोतल वगैरह शामी और सालन भी हैं, मतलब यहाँ पे बिरयानी भी आपको मिल सकती है। अब ये देखो जी ये दही बल्ले आगे, इसी तरह से सेम आगे चलता रहता है। और वो देखो मेन मुल्तान का जो लगा हुआ है, मुल्तान छावनी फुल जूम किया हुआ है, वो देखो रेड इशारे देख रहे हो, इधर भी चलते होते हैं ग्रीन रेड, पहले हाथों से होता था झंडे लहराते थे, तो अब जो है भजन इस तरह किया जाता है। चेक करो जी ये भी एक लगी हुई है, ये इसके साथ ना इंजन अटैच नहीं है। अब ये देखो ये सामान वाला है और वो जो है ना वो मुसाफिर वाला होता है, ये डब्बे खाली इसलिए यूज़ होते हैं। इधर हालात चेक करो, जैसे नाला बना हुआ होता है वो बनाया हुआ है साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखो भाई ये मौलवी साहब अंदर से गुजर के ना बाहर आ रहे हैं, हालांकि ये जो साथ लगी है ना सीढ़ियाँ ये इसीलिए लगी हुई ताकि आप अपनी जगह क्रॉस कर सकें, लेकिन नहीं भाई पाकिस्तानियों ने नहीं सुधरना। ये भाई टीटी ऑफिस मुल्तान छावनी, और ये साथ ही माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है, चेक करो जी गुंबद, बहुत प्यारा गुंबद बनाया है। तो वो देखो यार ये जो पानी लगा हुआ है ना यहाँ से ही, मतलब ये अंदर डालते हैं जब ये ट्रेन नीचे आके रुकती है ना, तो पाइप के ज़रिए ना उसके अंदर पानी डाला जाता है, टैंकियाँ फुल करके फिर आगे भेजते हैं यहाँ। करो जी यहाँ पे कबूतर भी इंजॉय मार रहे हैं, असल में जो आवाम आती है ना वो यहाँ पे चीज़ें भी फेंक देती है ना खाने पीने की, तो इस वजह से। भजन मुल्तान का बुर्ज खलीफा चेक करो, ओ भाई ऊपर तक है यार। भाई सामान शामान अब हमने सारा पैक कर लिया, बस अब यहाँ से निकलने लगे हैं। चले तो कल इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपको बताऊंगा कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या सीन है, किस तरह से है।
तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ब्रदर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।